आज जो है हम लोग पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 में क्वेश्चन है आपका पहला, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। चलिए अभी हम लोग तो एक चीज क्लियर सबके मन में हो गया होगा कि इसका आंसर जो है वो किसके मैकेनिज्म में छिपा हुआ है, इवापोरेशन के मैकेनिज्म में छिपा हुआ है। यानी इवापोरेशन के बारे में यदि हम सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब हमको क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने एक हेडिंग लिखाया था, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी जहाँ भी इवापोरेशन होगा उसके आसपास में कूलिंग भी होगा, साथ में इवापोरेशन जहाँ होगा वहाँ कूलिंग भी साथ साथ होगा वहाँ आसपास में। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो हॉट ड्राई हॉट डे और साथ में ड्राई डे। यहाँ देखिएगा जरा, हॉट डे की भी बात हो रही है और ड्राई डे की भी बात हो रही है। हॉट डे मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा है और ड्राई डे मतलब ह्यूमिडिटी लो है। हम लोग यदि पढ़े थे हम लोग कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी घटेगा। तो इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा, बढ़ रहा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ ज़्यादा होगा एंड इट विल कूल द एनवायरमेंट, ठीक है, बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। उसी ढंग से ड्राई डे मीन्स देर इज वेरी लेस ह्यूमिडिटी, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है और इस वजह से जो कूलर है वो इस समय में सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि वो अपने आसपास के सारे हीट को, वाटर को वेपराइज करने में इस्तेमाल करेगा और कूलर जो है वो खूब कूल हवा देगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि हॉट डे यानी कि टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लेस, सो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी टू मच हाई एंड एज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग द कूलर विल गिव कूल सेंसेशन, ठीक है। इसको मिला करके इस ढंग से आप लिख लेना, मैं की पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया, इससे पहले भी डिस्कस किया हूँ, तो इस ढंग से आप ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग था, हाउ डज द वाटर केप इन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर सीजन के दौरान। हम लोग को इसमें क्वेश्चन है कि समर के दौरान जो है वो जो बर्तन है वो कैसे आपका कूल करता है पानी को। तो हम लोगों ने बताया था कि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि आपका अर्दन पॉट्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, अर्दन पॉट की बात करें तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से वाटर जो है वो सीप करता है, वाटर सीप किया। अब वाटर क्या करता है कि इवापोरेट होता है, इवापोरेट होने के बाद वो हीट लेना और हीट उसको जरूरत पड़ती है तो वो क्या कहाँ से लेगा आगे जाएगी, लेटेंट हीट के रूप में अंदर से पानी के अंदर बर्तन के अंदर के पानी से भी वो हीट लेता है जिसकी वजह से अंदर का पानी जो है वो कूल रहता है। यहाँ पर सीधा कंसेप्ट यदि जोड़े तो इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, यहाँ पर जो बाहरी पानी है वो बाहरी हीट की वजह से वेपर बनता है और इसको और फिर वापस वेपर बनने के लिए इसको और हीट चाहिए, तो ये अंदर से भी हीट लेने की कोशिश करता है जिसकी वजह से अंदर का जो पानी है वो कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कि वाटर जो है अर्दन पॉट का क्यों समर सीजन, जितना ज़्यादा समर सीजन होगा उतना ये पानी उतना ही ठंडा होगा क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही फास्टर होता चला जाएगा। तो इस अनुसार लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन we put
सम इज सिकोन और परफ्यूम ऑन यू। बोल रहा है कि जब हम लोग अपने हथेली पर कुछ परफ्यूम रख दें या एसीटोन रखें तो हमको ठंडक क्यों महसूस होती है। तो सिंपल सा इसका भी जवाब है कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और परफ्यूम ऑन आवर पाम टू वेपराइज इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर पाम। और यदि वो पाम से मान लीजिए हीट ले लिया, लेटेंट हीट लिया, तो पाम से हीट लिया तो पाम को वो क्या कर देगा, कूल कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आवर पाम गेट्स कूलर। तो इसको लिखेंगे यही कि टू कन्वर्ट इन टू वेपर द एसीटोन और परफ्यूम टेक्स हीट फ्रॉम आवर पाम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट गेट वेपराइज एंड एज इट टेकन हीट फ्रॉम आवर पाम आवर पाम बिकम कूलर। अगला क्वेश्चन है why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। अब ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो हम लोग का हम लोग जो है वो गर्म चाय या मिल्क को आराम से सिप ले सकते हैं, उनको उनको पी सकते हैं आसानी से, किस में, सॉसर में। सॉसर एक चौड़ा प्लेट टाइप का होता है तो उसमें हम लोग आसानी से पी सकते हैं एज कम्पेयर टू कप। इसका कारण क्या होगा, तो यदि हम लोग इवापोरेशन के बारे में सोचें तो इवापोरेशन एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो चीज़ क्या है, सरफेस एरिया। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, फास्टर होगा। और यदि रेट ऑफ इवापोरेशन फास्टर होगा तो चीज़ों के कूल होने का भी रेट फास्टर होगा। तो हम लोग जानते लिखेंगे कि द सॉसर हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द कप एंड एज इट हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवापोरेशन इज टू मच हाई एंड सो द टी और मिल्क केप्ट इन सॉसर गेट कूल्ड इन मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू कप। सो द टी और मिल्क केप्ट इन द सॉसर बिकम्स कूलर इन लेस ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कप। कप का सरफेस एरिया कम है और सॉसर का ज़्यादा है, तो सॉसर के सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से उसकी कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी और वो जल्दी से जल्दी कूल हो जाएगा और उसको आराम से पिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समर के दिनों में यानी कि गर्मी के दिनों में हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो सिंपल बात है, दो तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा कि जो भी हम कपड़े पहने वो एब्जॉर्बर होने चाहिए स्वेट को, एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। फिर उनमें ये पोर्स होने चाहिए जिनसे कि एयर का वेंटिलेशन, ताकि हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट मिल सके। तो आप लोग बताइए, खुद सोचिए ऐसा क्वालिटी किस कपड़े में। सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक कपड़ा शरीर से चिपक जाता है और पसीना को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर आपको स्क्रैचिंग होनी शुरू हो जाती है, खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों को सबसे बढ़िया जो कपड़ा होगा गर्मी के दिनों के लिए वो आप लोग सुने होंगे कॉटन क्लोथ्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, पसीना को ये बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं और इवापोरेट करते हैं उसको, जिसकी वजह से हम लोगों को कूलिंग इफेक्ट होता है।
और साथ में वो कपड़े के साथ वो पसीने के साथ स्टिक नहीं होते जिसकी वजह से हम लोग को इरिटेशन हो या स्क्रैचिंग हो शरीर में। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनना, किसमें गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा लोग कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वेट अब्जॉर्बर है और स्वेट अब्जॉर्बर के साथ साथ ये शरीर से स्टिक नहीं होता है और स्टिक नहीं होने की वजह से हम लोग को कूलिंग सेंसेशन मिलते रहता है आपको ये गर्मी के दिनों में। अब ये तो हो गया आप लोगों का इंडेक्स क्वेश्चन। आज जो है आज हम लोग का ये इंडेक्स क्वेश्चन की कड़ी का लास्ट दिन है, आज इंडेक्स क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो आपका कल आएगा, अगले दिन आएगा जो भी वीडियो, उसमें हम लोग अब एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोगों को जो जो डाउट होगा या मैं हर क्वेश्चन को ही बताऊंगा और उसका क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे। अभी का होमवर्क आप लोगों का रहेगा, इंटेक्स क्वेश्चन जितने हो चुके हैं उन सब को उन सब की कॉपी आप भेजें व्हाट्सएप पर, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने पर्सनली बनाएं, और जो भी कहीं डाउट किन्हीं को भी कहीं डाउट तो पूछें, मैं उनका समाधान करूँगा।